Hi, Ranveer Faridun from Bollywoodangama. I spoke to Aamir Khan recently, and he said that Ranbir Kapoor is setting benchmarks as an actor. Aamir rarely actually praises anyone so profusely, also called you brilliant. Paresh Rawal Saab has recently said that some wonderful things about you as an actor. How do you look at this aspect that people have such expectations from you in terms of just raising the bar as far as an actor, as a performer, and most importantly, taking chances? मैंने इनको बहुत सिखाया इसलिए वो करेक्ट इसका पूरा श्रेय मैं इनको देना चाहूँगा कटरीना को बट थैंक यू आमिर सर थैंक यू परेश सर यू नो दीज गाइज आर स्टॉलवर्ड्स ऑफ दिस इंडस्ट्री यू नो अगर हमने कुछ एक्टिंग सीखी है इनसे ही सीखी है इनकी फिल्में देख के सीखी है एंड आई होप दैट आई डोंट लेट यू डाउन आमिर सर यू बीन अमेजिंगली स्वीट एंड सपोर्टिव टू मी इन माई एंटायर करियर जब आई रिमेंबर जब बॉम्बे वैल्यूड रिलीज हुई थी और चली नहीं और बहुत बड़ी फ्लॉप हुई थी आमिर सर कहीं ट्रैवल कर रहे थे एंड ही केम स्ट्रेट टू माई हाउस ही सैट विथ मी द एंटायर नाइट एंड ही रियली लाइक स्पोक टू मी यू नो अबाउट एक्टिंग अबाउट द फिल्म इंडस्ट्री अबाउट हिट्स एंड फ्लॉप्स सो आई थिंक हिज लव फॉर मी इज़ वेरी डीप एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट एंड द फैक्ट दैट उनको मेरा काम पसंद है वो तो सोने पर सुहागा हो गया एंड आई होप आई कैन लिव अप टू हिज एक्सपेक्टेशंस अनुराग सर कैन यू प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ मिस्टर रवि वर्मन बिकॉज़ आई थिंक द कैमरा वर्क इज लुकिंग आउटस्टैंडिंग इन द प्रोमो ही इज माय सेकंड वाइफ और वो इज एन रवि शर्मा है सचमुच का तो ही ना यार सो रवि इज हियर एंड नो यू कैन सी इट इन एवरी फ्रेम एंड इट्स अमेजिंग यू नो व्हेन बर्फी वी स्टार्टेड वर्किंग रवि न्यू वेरी लेस ऑफ हिंदी एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट विद हिम बट ही वुड अंडरस्टैंड इवन विद दैट लेस नॉलेज ही विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम कम्युनिकेटिंग मोर देन एनी अदर कैमरामैन हु न्यू द हिंदी लैंग्वेज एंड इंग्लिश लैंग्वेज एवरीथिंग देयर वाज अ So it was actually silent movie between us also during Barfi, and now I don't have to say anything. I look in the direction; he knows what I want, and what's going in my mind. I also understand what's going in his mind. It's amazing. It's very rare, you know. You find somebody as a colleague, you know, who is just and he stood by me all this during. It was a very difficult process, you know. It was not one scheduled film. There was like schedules were break in pieces, and for a cameraman who is doing other films also to take out and it is amazing I'm really thankful to him Ravi. jab bhi hum log set pe aate the hamesha you would see Ravi still with a big smile and this film had been a while in the making so sometimes you would come on the set a little you know tired or not in the best of moods there was infectious positive always energy. one person who is smiling behind the camera और ये जो टाइम का भी मैं बता दूं ये क्या है मैं बता रहा हूं ये बहुत सारे अटकलें मैं आपको बता दूं प्रोसेस क्या है इस फिल्म में ना टाइम तो इतना ही लगता है फिल्म में चार साल लगता है आप स्क्रिप्ट लिखते हैं दो तीन साल फिर फिल्म बनाते हैं छः सात महीने में लेकिन हमने क्या किया फिल्म तुरंत शुरू कर दिया बर्फी के बाद क्योंकि मुझे लगता है ये फिल्म ऐसी ही बन पाता क्योंकि अगर आप म्यूजिकल कर रहे हैं तो आइदर आप साउंड ट्रैक तैयार करें पूरी पिक्चर का दो साल बैठ के फिर उस साउंड ट्रैक पर शूट करें हमें पता था हमने गलत गली में हम लोग जा रहे हैं मतलब स्टेज गली में विच इज़ ए वेरी डिफिकल्ट थिंग टू यू नो टू मेक एवरीथिंग रेडी एंड तो हम चंक्स में करते गए उसको सो दिस इज द प्रोसेस आइदर हम पूरा साउंड ट्रैक रेडी करते तो हम चंक्स में पैर टुकड़ा तो हमें सबको पता था कि ऐसा होने वाला है इनकी तीन फिल्में होंगी बीच बीच में ये फिल्में होंगी मेरा भी दूसरा काम होगा तो ये दिस वाज ऑल डन इट्स नॉट दैट यू नो वी आर शॉक्ड एंड अरे वो शिट इतना टाइम लगा लेकिन ये फिल्म ऐसे ही तैयार होती क्योंकि इतने सारे म्यूजिकल इतने सारे गाने हैं आप पूरा तैयार करके करते तो भी इतना साल लगता आप देखिए गाने का गाने यार मैं गिनती भूल चुका हूँ 20 के ऊपर ही है अमृता फाइनली फिल्म रिलीज होने को तैयार है मेरा सवाल आपसे है कि किस तरीके की प्लानिंग होगी अभी से लेकर के 14 जुलाई तक क्या प्लान किया है आपने टोटली हर रोज वील बी डूइंग समथिंग एंड आई थिंक अनुराग इज बीइंग वेरी वेरी मॉडेस्ट द फिल्म हैज सो मेनी एलिमेंट्स के इन द मार्केटिंग इट्स ऑलमोस्ट डिफिकल्ट टू पुट आउट एवरीथिंग दैट ही इज गॉट इन द फिल्म सो नो वन सॉन्ग कैन टेल यू एवरीथिंग अबाउट द फिल्म नो वन ट्रेलर कैन टेल यू एवरीथिंग अबाउट द फिल्म सो वील गो फॉर इट एंड वील माउंटेड इन अ बिग वे जुलाई इज अ ग्रेट रिलीज डेट यू नो बच्चों के छुट्टियाँ खत्म हो रही हैं किड्स आर गोइंग टू कॉलेज दे विल बंक कॉलेज एंड गो टू द थिएटर्स दैट्स व्हाट वी वांट सो या रणवीर आपके राइट है हेलो अमित फ्रॉम दैनिक जागरण रणवीर आपने जिस तरीके से फ्लॉलेसली इसमें मतलब डांस किया है या फिर ऐ दिल मुश्किल या रॉक स्टार में आपने जो मतलब इस तरीके से कैरेक्टर में डूब गए गोता लगाया आपने तो मतलब जो एक्टिंग एस्पिरेंट्स हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि कैरेक्टर के स्किन में कैसे आप जाते हैं या जाना चाहिए देखिए मैं जगह जासूस के बारे में बात करूँ इसमें जो मेरा किरदार है ही इज ऑफ अ यंग बॉय You know, in a high school somewhere in some small town. It's a fictitious town. He stammers. Usko haklane ki aadat hai. And because he stammers, he has to sing everything. He meets a friend called Tutti Futti, who befriends him, who becomes like his father.
And he teaches him these things, you know, he teaches him certain values, he teaches him to become really intelligent, you know, if he feels shy in front of the world, go and sing, you know, you can express what you have to say. And one day he disappears. So Jagga becomes a jasus, he becomes a detective, he uses his mind to actually find and track where his stepfather's gone. And in that process, he meets Shruti, Mrs. Calamity Jane, who he... Kyun? Nahi, abhi mujhe pata chala kahani kya hai. Nahi, yehi kahani hai. So I think the character was very interesting for me because I've never played a detective. I've never played somebody who stammers. I've never played somebody who, you know, I've never done a father-son story, you know, something which is so emotional. You know, you've done love stories, you've done intense music, rockstar kind of films, but this was very sweet. You know, I felt really good in my heart being on set. I felt good in my heart to sing Pritam songs, Dada, the kind of scenes he wrote. So I've had really an amazing time and I hope that it comes through. You know, I haven't seen the film. But I hope it all comes through together. Hai na, Dada? Is film mein father aur son ka Anveer is film mein jo theme hai father son ki matlab hai chemistry shayad nahi aa rahi sir is film mein jo aapka character hai uski father and son ki shayad matlab hai chemistry yeah perhaps. it's a father son story inke sath bhi chemistry sab definitely I think it's a very difficult it's very if you ask me now it'll about the film, as a director and writer, if you ask me, it will not be a short answer of 5 minutes if I have to give real sense of the whole film to you. So it's better you guys watch. Hi. आप तीनों से ये सवाल था कि जो Father's Day भी आ रहा है, तो आप तीनों ने अपने अपने फादर से क्या qualities imbibe की हैं, acquire की हैं? Not to drink. Very important. No, I think. I think family, you know, I think family, the kind of values that your family gives you and the kind of love that you feel for your family, I think that's very important. We all should not forget, you know, what our parents mean to us and whatever they've done to us, for us all our lives. Today I'm 34, I'm going to be 35. Now I am their parent, you know, I have to take care of them. I have to make sure that they get all the happiness, all the joy and everything that, you know, they've given me with so much of love and so much of heart. Hi, Ranbir. Ranbir, on your left. मैं two things it's always echoes my mind of my father. दुनिया में सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? First thing, it's always second. What you're living for, always remember. Purpose of life, that's it. Hi, Shubharna here. I just wanted to know. You just mentioned that you know you're playing a high school. How was the transformation? Sorry. Oh. I think, sorry, I don't know who asked it, whoever there. I think family is the most important thing for anyone. And your family is are the people who are there for you at all times. They're the people who, I think, instill the values that you have in you. And especially as I think, you know, as Vanvia said, the years go on, you realize the importance of your family and how special they are. Sorry. Yeah, I'm sorry for cutting you short that day. Talking about being a high school boy who's like half your age, so how was that, you know, when you... You know, thankfully, because it's cinema, so the age is not defined. Yes, I did feel that I would look very old. You know, I tried to look the part as much as I could, but I believe that when you see the film and you see the way the film unfolds, you will not believe that, you know, I'm not from this world or from this high school. You know, and also there are different logics why he's still here, what he's doing. So I think it'll be believable. Ranbir, Katrina, straight. Hi, Abhishek here. The film is all set to release on 14th. Aap dono ki chemistry bahut achhi lag rahi hai. But there were reports earlier that aap dono film saath mein promote nahi karenge. Aaj aap saath mein hai. Could you guys just throw us some plans as to kis tarah film ko promote kiya jayega? Aap dono saath mein karenge ki nahi? I think hum sab ne bahut mehnat se kaam kiya is film pe. We've given our time, our effort, our heart. And this is my film as much as Katrina's, as much as Dada's. This is our film. And we would like to present it in the best way possible, that the audience will reach the film. They will get promos. They will feel good. This film's content should be good. It's not that Katrina and I will do something or go to a reality show. So that's because of that, people will come to the cinema. Of course, we'll do all of that. You know, that we'll make sure that everybody is aware that the film is coming on 14th July. But as every film has a plan, this film has a plan. हम ये महीने कुछ एक्टिविटीज करने वाले एंड देन 1st जुलाई ऑनवर्ड्स वी विल रियली गेट इनटू प्रमोटिंग द फिल्म और सिंस ये फिल्म 3 साल से बन रहे हैं मैंने दादा को पूछा बात बोलना बार-बार जरूरी है चौथी बार बोल रहा हूं मैं सुनना भी
मैंने दादा को पूछा और रणबीर को भी मैंने पूछा प्लीज़ मेरा नाम भी डाल दीजिए वो प्रोड्यूसर का क्रेडिट्स में जो आते हैं ना सो अंटिल नाउ आई एम नॉट गॉट अ आंसर बट आई थिंक अबाउट इट. रणबीर ऑन योर लेफ्ट यहाँ पर. हाय रणबीर, शाहरुख खान ने ट्वीट किया कि उनकी जो अपकमिंग फिल्म है जब हैरी मेट सेजल वो नाम जो है आपने सजेस्ट नहीं किया तो मैं आपको 5,000 रुपए क्यों दूं तो आपसे जानना चाहेंगे. देखिए मैं आज सबके सामने ये कहना चाहूँगा कि ये टाइटल मेरा है, मैंने दिया था. लेकिन दुख की बात ये नहीं है कि शाहरुख सर मुझे इसका क्रेडिट नहीं दे रहे, दुख की बात यह है कि मुझे इस रिवॉर्ड के बारे में बिल्कुल पता नहीं था. तो शाहरुख सर मैं मन्नत आ रहा हूँ 5,000 रुपये लेने के लिए कैश प्लीज़. बट टू बी ऑनेस्ट यू नो मैं महबूब स्टूडियो में शूटिंग कर रहा था और उधर इम्तियाज शाहरुख सर एंड अनुष्का शूट कर रहे थे तो हम सब वैन में बैठे थे, वी आर डिस्कसिंग टाइटल्स. तो मैंने ये टाइटल सजेस्ट किया, सब हंसे मेरे पे और बोले बहुत बकवास टाइटल है एंड दे लाफ्ड एट मी एंड ऑल. कट्टू आज उनका पोस्टर रिलीज हुआ विद माई टाइटल. सो बहुत खुशी महसूस होती है कि मैं एक छोटा सा हिस्सा हूँ इस फिल्म का. बट टू बी ऑनेस्ट इट इज़ बाई फार द मोस्ट एक्साइटिंग एक्टर डायरेक्टर डुओ फॉर मी. टू सी शाहरुख सर एंड इम्तियाज टुगेदर वॉज माई ड्रीम एज अ फैन, एज एन ऑडियंस. You know, Imtiaz sir is coming back with Pritam also in this film. There's Anushka in this film. So I'm really looking forward to it. And I'm really happy that, you know, and I've also got a little part to play in this film now. Okay. Katrina, hi. Katrina, kaisa raha experience ek baar phir se Ranbir Kapoor ke saath mein shoot karne ka? Sorry, I got me. How was experience with... Kaisa raha... Sab log ek saath. Katrina, yeah. कैसा रहा एक्सपीरियंस एक बार फिर से रणबीर कपूर के साथ में शूट करने का जग्गा जासूस? साहब फिर से पूछिए. ये हमेशा मुझसे कहती थी कि मैंने तुझे दो सुपरहिट दिए हैं, अजब प्रेम की गजब कहानी और राजनीति. बोलते रहती थी मतलब वेल यू आर वर्किंग द फिल्म ओनली यू नो तू आज कुछ भी है मेरी वजह से बिकॉज आई वॉज इन अजब प्रेम की गजब कहानी, आई वॉज इन राजनीति, फिल्म की ओपनिंग मेरे वजह से हुई. सो आई फेल कि जब मैं पहली बार प्रोड्यूसर बनूँ आई वुड लाइक टू काइंड ऑफ यू नो बी ग्रेटफुल एंड पे बैक ऑल दैट कटिन हैज डन फॉर मी एंड आई प्रोमिस था कि मैं तेरे लिए भी एक सुपरहिट बनाऊंगा. सो दिस फिल्म आई मी एंड दादा हैव मेड ओनली फॉर यू एंड लेट मी टेल यू के शी इज amazing in this film. She's unbelievable what she's done and we're really proud that you know this is going to be Katrina Kaif's best performance.